नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, अभी देखेंगे कि मार्केट टिक क्यों इतना गिरा। आखिर लास्ट में हमने डाटा अपडेट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि डाटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश है, और देखिए उसके बाद मार्केट बिल्कुल, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लाइव अपडेट किया था कि जो निफ्टी है वो 17,120 के ऊपर ही लॉन्ग करना है, उसके ऊपर लॉन्ग करना ही नहीं है, और 17,120 आज टच ही किया नहीं। तो ये कैस बेसिस पे हमने किया, क्या डाटा हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाटा ऐसा ही क्या इंपॉर्टेंट है जो हमको पहले बताता है डाटा कि मार्केट गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल लाइव मार्केट में डाटा, अगर आप स्टडी आपको करने आता है तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मार्केट को हमें कैसे रीड करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो मेरी जो क्लासेस हैं वो आपको स्टार्ट होने वाले हैं 9 तारीख से, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे अगर आपको उसमें ज्वाइन करना है तो मुझे मैसेज आप कर सकते हैं, मेरा जो नंबर है 9508898759, 9508888, और मेरे कहीं आप मिल जाएंगे। एक्चुअली दूसरा नंबर भी है 8889795099, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप मेरी लाइव अपडेट जाके देख सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे नंबर हैं दोस्तों, आप इस पर मैसेज मुझे कर सकते हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या अपडेट दिया था। तो मैं आपको वाली वीडियो देखिए जो मैंने पोस्ट किया था, ओपन करके रखा हूँ, आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं जो प्रीवियस है। आप देखें कि मैंने इसमें दिया था कि लॉन्ग टिल 17,000, अगर 17,040 के ऊपर है तब तक हमें लॉन्ग होना है, लेकिन सिर्फ 10 पॉइंट। ऐसा क्या था देखिए कुछ 10 पॉइंट में, कि जैसे ही आपको 17,030 के नीचे आता है मार्केट, वहां से मैं शॉर्ट कर देना। आप देखें मैंने यहाँ से लिखा था कि इसके ऊपर तक लॉन्ग रहना है, लेकिन मात्र इसके और बीच 10 पॉइंट का अंतर था, कि 10 पॉइंट में ऐसा कहा था जो वहां से बेरिश हो जाएगा, वो हमें डाटा बिल्कुल बता दिया था। और आप देखें हमारा टारगेट आपको 80 का, 16,90, 80, 86 और 70, लगभग ऑलमोस्ट ऑल टारगेट हिट हो गए हैं नीचे का। सेम चीजें हमारे बैंक निफ्टी में थी। तो ये हमें कैसे निकलते हैं प्राइस एक्शन पे, डाटा हमें क्या है, सबसे पहले डाटा इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारे प्रीवियस वीडियो जो है जाके देख सकते हैं कि ऐसा क्या हमने एनालिसिस में किया था, डाटा में क्या सजेस्ट करे था, जबकि सारे लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ से बुलिश थे क्योंकि LIC का IPO आने वाला था, ये सब लेके और मार्केट यहाँ से बुलिश रहेगा, ये इस तरह का सारे लोग थे बुलिश। तो चलिए अब हम आज का डाटा देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि हमें क्या इंडिकेशन आज का डाटा कर रहा है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, फिर हम डाटा देखेंगे। तो ये हमारी शीट है दोस्तों डाटा की। आप इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता तो बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, और अब बिल्कुल उसका स्वागत है, मैं सुधार करूंगा। तो हम धीरे धीरे इस डाटा को पढ़ेंगे। देखिए जो ये जो 22 मई था, 2 तारीख को यहाँ पे जो FII ने क्या किया था और DII ने प्रॉप का क्या पोजीशन था, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे आज के। तो देखिए ये जो क्लाइंट थे इनका 2,30,000 क्वांटिटी लॉन्ग था, 2,30,000 क्वांटिटी इनका लॉन्ग था, किसमें, फ्यूचर में। अभी इनका लॉन्ग क्या हुआ, 280 हो गया। आप ये चीजें देख सकते हैं, 280 हो गया इनका लॉन्ग, यानी लगभग इन्होंने 49,000, कितना क्वांटिटी, 49,000 ये क्वांटिटी देखिए इन्होंने लॉन्ग कर लिया। आज मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो ये लॉन्ग कर रहे थे, इनको लगा था कि मार्केट वहां से ऊपर जाएगा जब मार्केट पूरा रेंज बाउंड था। आप देखें इनकी पूरी फुल्ली बुलिश हो गए हैं ये मार्केट में फ्यूचर में। अब इनका हम शॉर्ट पोजिशन देखते हैं, शॉर्ट पोजिशन 1,58,000 था, इन्होंने 150, 158 से 173 किया। ये देखिए आप डाटा को आराम से समझिए दोस्तों, थोड़ा सा आप समय दीजिए, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बिल्कुल ध्यान है, अगर 1 दिन 2 दिन देंगे तो आपको समझ आने लगेंगे इजीली। अब इन्होंने क्या किया, आज 14,000 पुट भी लॉन्ग किया, सॉरी माफ करिएगा, शॉर्ट भी किया है, यानी 158 से 173 हुआ है, लेकिन इनका लॉन्ग का पोजीशन बहुत ज्यादा है 49। ओवरऑल इनका लॉन्ग देखिए 1,06,000 इनका लॉन्ग पोजिशन है, यानी ये मार्केट में पूरा फुल्ली बुलिश है। 1 लाख जो है 6,000, 280 में से 173 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,06,000 है इनका नेट पोजिशन, नोट बेसिस पे ये क्या है, लॉन्ग है। चलिए हम FII की बात करते हैं। FII का देखिए 38,000 इनका क्वांटिटी किया था लॉन्ग, इन्होंने आज बिल्कुल क्लोज नहीं किया है, लगभग इनका 36,000 यानी लगभग 1,400 ही क्वांटिटी क्लोज किया इनका। देखिए 36 है, 38 से 36 हुआ, ये कितना, इन्होंने 1,400 क्वांटिटी क्लोज किया। लेकिन देखिए इनका शॉर्ट पोजिशन क्या था, 75,000 इनका जो है क्वांटिटी शॉर्ट था, वो सीधा 1,11,000 हो गया, यानी इन्होंने मार्केट में पूरा आज शॉर्ट कर दिया, 36,000 शॉर्ट किया है दोस्तों। आप ये चीजें देख सकते हैं, यानी इंडेक्स जो है फ्यूचर को 36,000 शॉर्ट किया है, और ये लाइव में पता चल जाता है। अगर मेरी आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो मैं लाइव में इसको बताऊंगा कि आप लाइव में कैसे पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में शॉर्ट हो रहा है। ये टेक्निक है कि फ्यूचर में FIA कैसे शॉर्ट कर रहे हैं, लाइव में आपको पता चल जाएगा।
तो ये चीजें मैं अपने क्लासेस और कोर्सेज में बताऊंगा ताकि आपको वहां से डाटा बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो। देखिए इनका नेट बेसिस पे 74,000 सॉल्ट है, नेट बेसिस पे 75,000 74,500 क्वांटिटी सॉल्ट है, यानी फुल्ली बुलिश है ये फ्यूचर में, सॉरी माफ करिएगा बियरिस। अगर हम प्रॉप की डाटा देखें तो इनका देखें 45,000 क्वांटिटी लॉन्ग था, ये 48,000 हो गया, यानी लगभग बहुत ही कम इनका क्वांटिटी है, यानी लगभग 3,500 ही इन्होंने क्या किया है लॉन्ग किया। और इनका शॉर्ट पोजीशन देखें तो 27,000 था, वो 33,000 है, यानी इन्होंने क्या किया है लगभग 6,500 क्वांटिटी शॉर्ट पोजीशन किया, यानी ये शॉर्ट ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे देखें तो इनका 15,000 क्वांटिटी लॉन्ग है, 15,000 ही है, लेकिन क्या ये फ्यूचर में भी लॉन्ग किए हैं ऑप्शन में भी, इस चीज को हम देखेंगे। ये अपना पोजीशन तो हैज तो नहीं किया है, तो यहाँ हम डाटा भी ऑप्शन का देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए इनका जो पोजीशन था आज 84,000 क्या था, ये पहले से लॉन्ग था कॉल लॉन्ग, आज इनका देखिए 3 लाख क्वांटिटी लॉन्ग हो गया, माय गुडनेस। क्लाइंट कितना 3 लाख कॉल लॉन्ग कर लिया। आप चीजों को समझिए, देखिए कितना इन्होंने आज मार्केट नीचे आया और ये इतना इनको लगता है कि, और ये नहीं, इनका नेट जो है 3,84,000 हो गया पूरा नेट लॉन्ग कॉल लॉन्ग। पुट की बात करें तो देखिए इनका 2,80,000 पुट शॉर्ट था, इन्होंने 31,000 और शॉर्ट कर दिया है, 31,000 यानी 3,20,000 हो गया शॉर्ट, यानी ये मार्केट में फुल्ली बुलिश है, इन्होंने फुल्ली बुलिश इंडेक्स को बाई किया है और कॉल लॉन्ग किए हैं पुट शॉर्ट किए हैं। आप ये चीजों को कोरिलेट करिए, फुल्ली बुलिश है क्लाइंट हमारे मार्केट में, इनको लगता है कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। चलिए क्लाइंट का डाटा हो गया। हाँ अगर हम अब FII की डाटा देखते हैं तो FII का डाटा देखिए 68,000 क्वांटिटी इनका कॉल लॉन्ग था, इन्होंने 18,000 क्वांटिटी क्लोज कर लिया, 18,000 आज क्वांटिटी इन्होंने क्लोज कर लिया, तो इनकी कितनी क्वांटिटी बची, 50,000 क्वांटिटी बची क्या कॉल लॉन्ग की, 50,000 क्वांटिटी इनका कॉल लॉन्ग है। पुट की तरफ देखते हैं क्या है इनका, पुट की तरफ देखिए 2,57,000 इनका पुट जो है वो लॉन्ग था, 31,000 और इनका आज लॉन्ग हो गया, यानी 2,89,000 इनका लॉन्ग हो गया, यानी उन्होंने क्या किया कॉल लॉन्ग था उसको क्लोज कर लिया, पुट जो है उनको लॉन्ग कर लिया फ्यूचर में, पुट उन्होंने शॉर्ट कर दिया फ्यूचर में, उन्होंने पुट शॉर्ट कर दिया, तो इनकी कितना है पूरी इनकी क्वांटिटी समझे कि सारी बेरिस हो गई। आप ये देखें बोथ लॉन्ग यहाँ बेरिस है, लेकिन फुल्ली बेरिस है यहाँ, इनकी क्या है लॉन्ग क्लोज शॉर्ट एड पूरा फुल्ली बेरिस है, आप ये चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ हमारी जो FII है फुल्ली मार्केट में बेरिस है, तगड़ा मार्केट में बेरिस है। अब हम प्रॉप का देखें, प्रॉप देखिए यहाँ राइटिंग कर रहे हैं 1,54,000 इनका था, 2,81,000 यानी प्रॉप हैव राइटेड द कॉल 2,81,000 टुडे एंड दे हैव राइटेड 150 लाख साइड बिफोर टुडे, यानी टोटल राइटिंग 4,36,000 Prop has written 4,36,000 call. And see, when you add that, when you add client and FII data, you'll see that 4,36,000. इसका मतलब यह है कि जितने भी buying किया गया है हमारे client और FII के द्वारा, सारे writing किया गया है prop के द्वारा, और ये देखिए एक अच्छा खासा सबसे ज्यादा जिनका ये position था उसके लगभग 60% आज इन्होंने फिर और write किया, लगभग 60 नहीं आप देखिए 150 यानी आपको दुगना ज्यादा किया है, 2 times राइट किया गया, कितनी ये मार्केट में समझे कि फुल्ली बेरिस हैं। इनकी राइटिंग थी देखिए जो नेक्स्ट इनकी राइटिंग थी 4,470 क्वांटिटी इन्होंने पूरा आज क्लोज कर लिया, जो भी इनकी जो बाइंग थी जो पुट बाइंग किया था उन्होंने आज पूरा क्लोज कर लिया, यानी पूरी फुल्ली ये राइट हो गए हैं कॉल को, इनका मैक्सिमम क्वांटिटी देखिए बिल्कुल 20 क्वांटिटी बचा है, यानी हमारे दोनों प्लेयर यहाँ से बहुत अच्छा खासा बेरिस है, यानी फुल्ली इनको अपना पोजीशन ये हैज किए फ्यूचर के साथ। फ्यूचर में इनकी क्वांटिटी कितनी है देखिए बहुत कम 15,000 है, लेकिन यहाँ इनकी राइटिंग कितनी है 4,34,000, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जाता है तो इनको कोई नुकसान नहीं, ये मार्केट तो ऊपर जाने ही नहीं देंगे, यहाँ से ये पोजीशन समझिए कि इन्होंने बाइंग किया है ये बिल्कुल जाने नहीं देंगे, तो यहाँ से हमारे बड़े प्लेयर दोनों बड़े फुल्ली बेरिस हैं। दोस्तों आप डाटा देख लीजिए, चलिए एक बार हम ऑप्शन चेन का भी डाटा देख लेते हैं कि हमें ऑप्शन चेन का डाटा क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो एक बार मैं इस शीट को क्लोज कर देता हूं, फिर हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है। लगता है हमने ऑप्शन चेन का शीट खोला नहीं है, तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारा शीट पड़े हैं, एक बार मैं ऑप्शन चेन का शीट ओपन कर लेता हूं, माफी चाहता हूं इसके लिए।
इसमें एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए डाटा ऑटो में रिफ्रेश हो गया, ये ऑटो रिफ्रेश डाटा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा जो आई देखिए आज जो है 1,84,000 इनकी राइटिंग है, 5 लाख बैंक निफ्टी में राइटिंग है, यानी का रेशियो आप देखें कि 4 ये इधर भी और 4 इधर भी, यानी दोनों तरफ रेशियो क्या पूरा यहाँ ये रेशियो है वो हमारे जो क्या है वो आपको प्रॉप का है, यानी प्रॉप देखिए यहाँ बिल्कुल लाइटिंग कर रहे थे, हमको पता चल रहा था रेजिस्टेंस जो है आपको एटीएम के पास 1,54,000 यहाँ कॉल राइटर एक्टिव है और 94,000 बैंक निफ्टी में, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आपको 35,200 ही टच करने की प्रॉबिलिटी है, देख रहे हैं इसको, और 35,000 के नीचे ही यहाँ जाएगा, यानी बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ ही लग रहा है बिल्कुल, जो क्लोजिंग है आप देखिए यहाँ इस बेसिस पे। तो ओवरऑल डाटा यहाँ से बैंक निफ्टी का हमें बेरिश इंडिकेशन कर रहा है हमारा जो प्राइस एक्शन में जो भी हमने लॉजिक लिखा उस पर। अब हम एटीएम के पास अगर देखें तो आप देखें कि जितने भी हमारे जो पुट राइटिंग किया गया था उन्होंने मैक्सिमम अपना पोजिशन क्लोज कर लिए, यहाँ पे पुट जो भी अभी राइटिंग किया गया है ये देखिए पुट जो बाइंग किया गया हमारे किसके द्वारा, बड़े प्लेयर के द्वारा, और ये जो क्लोज हो गया है ये समझे क्लाइंट के हमारे, इन्होंने थोड़ा सा क्लोज किया और इन्होंने और राइट किया है, और ये कॉल ये देखिए जो कॉल राइट किया गया है ये फुल्ली क्या है, फुल्ली ये आपको इन द मनी भी जो राइटिंग किया गया वो हमारे प्रॉप के द्वारा राइटिंग किया है। तो डाटा यहाँ से हमें पूरा फुल्ली बेरिश इंडिकेशन कर रहा है, ओवरऑल देखें 1,64,63,000 इधर राइटिंग है और यहाँ पूरा फुल्ली क्लोज है एटीएम के पास, तो हमें बैंक निफ्टी का जो डाटा है वहाँ से ये बेरिश इंडिकेशन कर रहा है। दोस्तों इसको डिटेल में एनालिसिस हम करेंगे, हम अपना एक प्रीवियस वीडियो हमेशा डालते हैं जब भी सैटरडे संडे आता है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि हमें कैसे इसको एनालिसिस करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए एक बार मैं निफ्टी का डाटा देख लेता हूँ, निफ्टी में भी देखिए आज जो क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का वो 16,666 के पास क्लोजिंग हुआ है आप देखें यहाँ पे, और 16,700 के पास देखें यहाँ एटीएम के पास भी पूरा पोजीशन क्लोज है, ये देखें ये इनका पोजीशन पूरा फुल्ली क्लोज है और ये नीचे की तरफ पूरा पूरा इनका पोजीशन बना है, तो हमको कहीं भी सपोर्ट दिखता नहीं हो रहा है। और यहाँ आप देखें 16,800 के पास, 16,600 के पास, 700 के पास, पूरा ये डाटा कितना अच्छा बनाया गया, यानी इतना जो कॉल राइटर्न किया गया है 1,80,000 कितना 2,60,000 जो प्रॉप के द्वारा, ये हर एक स्ट्राइक प्राइस के पास इनका राइटिंग है आप देखें, 17,000 के पास जो ब्रेक किया है कितना एक अच्छा खासा लेवल को ब्रेक किया, और मैं प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि देखिए मार्केट हमारा एक बार 16,000 को टच करेगा लगभग, आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आप देखें इनकी जो बाइंग कहाँ है पूरा नीचे की तरफ, अगर आप दोस्तों मैं एक बार मंथली डाटा यहाँ से देख लेता हूँ एक बार, ये हमको और काम करेगा, देखिए मंथली का जो है एक मिनट 26/25 को यहाँ पे भी देखिए, तो मंथली में आपको ये पता चलेगा कि कहाँ ये बाइंग कर रहे हैं, क्या नीचे के लेवल में, तो इनकी बाइंग देखिए नीचे के लेवल में हो रही है, देखो अब ये चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे ये पोजीशन बन रहा है। आप डेली जब डाटा इसको फिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ बाइंग कर रहे हैं बड़े प्लेयर, देखिए मंथली में इनकी बाइंग है जो नीचे की तरफ हो रही है, और राइटिंग देखिए आप 16,600 के पास राइटिंग हो रहा है, 16,500 के पास राइटिंग हो रहा है, यानी इन द मनी की तरफ ये पूरा 17,000 की राइटिंग हो रहा है, तो ये ओवरऑल देखिए अपना पोजीशन क्लोज कर रहे हैं आप ये चीज़ें देख सकते हैं, तो डाटा यहाँ से नीचे की तरफ ही बन रहा है। चलिए एक बार हम प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं, और आप एक बार देखें कैश कैश का जो डाटा है, कैश में FII लगभग 3,200 करोड़ का सेल किया है आप ये देख सकते हैं, और SDI लगभग 1,300 करोड़ का बाइंग किए हैं, तो कंटिन्यूअस FII हमारे कैश में सेल कर रहे हैं, मार्केट कहाँ जाके रुकेगा अभी कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ जाके सपोर्ट लेना है, क्योंकि जब तक कैश में डाटा सेल होता रहेगा, कैश में FII सेल करते रहेंगे, कैश का डाटा सेल में आता रहेगा, तब तक बिल्कुल मार्केट का कहीं रुकने का नामो निशान नहीं रहेगा। चलिए अगर हम प्राइस एक्शन देख लेते हैं, प्राइस एक्शन देखिए यहाँ पे के रुका है मार्केट, तो 16,630 यानी 16,630 के ऊपर अगर आप यहाँ से नीचे होता है तो फिर मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा आपको 16,500, 16,300 और उसके नीचे फिर 16,000 के लेवल हमें दिखाई देंगे मार्केट में, तो यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा एक बार सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन हमें लॉन्ग यहाँ से जो 16,740 के ऊपर ही लॉन्ग करना है, और मैक्सिमम टारगेट हमारा 860 का और 950 का रहेगा, यानी 860 तक अगर मार्केट टच करे तो बहुत है, यहाँ तक अगर भी टच कर जाए मार्केट तो बहुत है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कल मार्केट टच करेगा, हो सकता है कल गैप डाउन ही ओपन हो, क्योंकि यहाँ जो हमारे एक क्लाइंट ने बहुत एक अच्छा खासा बाइंग किया है, इंडेक्स लॉन्ग किया है और उन्होंने कॉल लॉन्ग किया, तो ये बिल्कुल प्राइस एक्शन हमें यहाँ से हो सकता है नीचे की तरफ ही ओपन हो। देखिए यहाँ एक बार वर्ल्ड मार्केट क्या करता है वो हमें देखना है, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होगा तो यहाँ सस्टेन करके हो सकता है और एंड किया जाए, थोड़ा और इनको दिखाया जाए, कल एक्सरसाइज एक्सपायरी भी है तो मार्केट बिल्कुल कल वोलेटाइल रहेगा, तो ये हमारा लेवल रहेगा इस लेवल पर। देखिए लास्ट में देखिए सेलिंग का अच्छा खासा वॉल्यूम है, देखिए आप इस रेंज में जब मार्केट था यहाँ पे
इस रेंज में जो कंसोलिडेशन कर रहा था, आप देखें यहाँ पे बिल्कुल वहाँ राइटिंग किया जा रहा था, हमारे प्रॉप के द्वारा राइटिंग किया जा रहा था, और इंडेक्स में हमारे वो जो है एफआईए राइट कर रहे थे। उसको मैं अपने बिल्कुल क्लासेस में बताऊंगा कि उसको प्रैक्टिकल हम कैसे देख सकते हैं लाइव मार्केट में। तो एक बार हम निफ्टी का, वो बैंक निफ्टी का भी प्राइस अखंड देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो सेम लेवल है बैंक निफ्टी में, यहाँ तक अगर 35,000 का लो है, माफ करिएगा दोस्तों इसमें थोड़ा कुछ मुझे 35,000 ये मैं गड़बड़ लिख दिया लगता हूँ, लॉन्ग टिल ये कल वाले ही डाटा मुझे लग रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो मुझे लॉन्ग होना है आपको 35,500 के ऊपर, लॉन्ग 35,500, मैं थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। 35,500 के ऊपर जब रहेगा तब तक हमें लॉन्ग होना है। इसको मैंने अपडेट नहीं किया दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। 35,500 के ऊपर लॉन्ग होना है, और टारगेट हमारा आपको पहला टारगेट हमारा रहेगा 35,800, 35,800 का, और फिर नेक्स्ट 36,000 का, 36,60 का टारगेट रहेगा। और शॉर्ट देखिए, अगर शॉर्ट है तो 35,000 के नीचे हमें शॉर्ट होना है। मार्केट यहाँ से अगर 100-200 पॉइंट और नीचे आता है तो भी हमें शॉर्ट होना है, 35,000 के कहीं नीचे यहाँ शॉर्ट करना है। टारगेट फिर हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा दोस्तों, टारगेट हमारा देखिए 34,500 का लेवल दिखाई देगा, और पहला टारगेट आप 35,4700 34,700 का टारगेट हमें दिखाई देगा, और 34,300 का ये हमें दो लेवल, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है फिर 34,000 हमें दिखाई देगा। तो मार्केट में एक बार हो सकता है कि 32,000 टच करे, क्योंकि देखिए यहाँ से थोड़ा हमें RSI जो है वो ओवरसोल्ड में दिखा है, थोड़ा सा हो सकता है बाउंस बैक करे आपको 35,700 के 30,800 के पास टारगेट, एक बार बैंक निफ्टी दिखाई दे। लेकिन डाटा फुल्ली बेयरिश है दोस्तों, आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि डाटा वो फुल्ली बेयरिश है, मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करेगा ये हमारा बिल्कुल है। आप अगर लाइव मार्केट में देख रहे होंगे तो बहुत अच्छा खासा राइटिंग किया गया था। तो चलिए ये हमारा सीट रहा दोस्तों, अभी एक बार हम स्टॉक्स का देख लें, कोई स्टॉक्स हमारे सिलेक्शन में अगर आया हो तो ये हमारा डाटा अपडेट है, इसको मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ। मुझे नहीं लगता देखिए कोई स्टॉक्स आज नहीं आया दोस्तों, इतना मार्केट वोलेटाइल था कि इंट्राडे और हमारी मनी फ्लोकरी कोई स्टॉक्स नहीं आया। तो ओवरऑल डाटा बिल्कुल यहाँ से देखिए हमको कोई इंडिकेशन नहीं कर रहा है, एक बार जो है वो डाटा हमें यहाँ से बेरिश इंडिकेशन कर रहा है, कोई स्टॉक्स हमारा सेलेक्ट में नहीं आया। तो एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा और कम कर लेता हूँ, 20% पे देखता हूँ कोई ऐसा स्टॉक्स है जो 20% मूव में आया हो, देख लेते हैं एक बार, हो सकता है यहाँ से फिल्टर हो गया है। तो देखिए अभी कोई स्टॉक्स नहीं है दोस्तों, अगर मैं इसको जीरो कर दूँ तभी मैं मुझे लगता है कोई स्टॉक्स नहीं आएगा फिल्टर होके। तो देखिए 3M इंडिया एक ही स्टॉक है जीरो में, जो 2% का ही आज मूव दिया, ठीक है, मनी फ्लो इसमें हुआ है फ्रॉम लो ये। तो एक बार 3M इंडिया को आप देख सकते हैं, एक अच्छा खासा स्टॉक है, बाकी कोई स्टॉक्स नहीं आ रहा है आज बाइंग में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला दोस्तों तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, देखिए सब्सक्राइब करें, ताकि अगर कुछ ना कुछ लेटेस्ट ज्ञानवर्धक जानकारी आपको जरूर मिलेगा इस चैनल पे दोस्तों। तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, मैं देखता हूँ आपको लोग सब्सक्राइब नहीं करना है, थोड़ा इससे मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। और आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं तो जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन के प्रेस करके ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी भी बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप कमीशन देने के लिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया। इस वीडियो के आधार पर कोई बाय सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट करना है, बाय सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उन्हीं के सलाह पर बाय सेल होल्ड करें। मैं ऐसा करता हूँ कि आपका दिन प्रॉफिटेबल होगा।